आदित्य चोपड़ा के घर से बाहर निकलते हुए जया बच्चन एक बार फिर से मीडिया को दिखाई हैं आंखें। जी हां दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा एंग्री मूड में नजर आई एक बार फिर से जया बच्चन, और उन्होंने अपने इसी रवायती अंदाज को अपनाते हुए मीडिया वालों को खूब खरी खरी सुना दी। जब आदित्य चोपड़ा के घर से जया बच्चन अपनी बेटी शविता के साथ निकल रही थी, तो ऐसे में मीडिया ने उनको कवरेज देने के लिए उनके करीब जाना मुनासिब समझा। उनको बहुत ही ज़्यादा डांट पिलाती नजर आई जया बच्चन, और उन्होंने कहा कि तुम लोगों को कुछ तो ख्याल होना चाहिए, कम अज़ कम मौका महल देखा करो और फिर इस तरह से करीब आया करो। इसके बाद उन्होंने हाथ खड़ा करते हुए कहा कि बस बहुत हो गया, अब पीछे चले जाओ और करीब आने की ज़रूरत नहीं है। मीडिया वाले भी यहाँ पर उनका एंग्री रिएक्शन देखते हैं तो फ़ौरन निकलकर वहाँ से चले जाते हैं। वह दोस्तों सभी जानते हैं कि जया बच्चन हमेशा ही अपने इसी तरह के एंग्री मूड में नजर आती हैं। उनको बिल्कुल भी परवाह नहीं होती कि उनके इस अंदाज से कोई हर्ट भी हो सकता है और किसी की दिल आज़ारी भी हो सकती है। उनको सिर्फ ये जानकर ही खुशी मिलती है, और खुशी उनकी सिर्फ यही होती है कि वह दूसरों को बता सकें कि वह जया बच्चन है बड़ी ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी की मालिक है, और बच्चन फैमिली से ताल्लुक रखने की वजह से हर किसी को उनकी सुननी पड़ेगी। मीडिया की तो उनके सामने जरा सी भी नहीं चलती, क्योंकि वो मौका महल देखे बगैर सबको खरी खरी सुना देती हैं। वेल दोस्तों, ऐश्वर्या राय बच्चन के हवाले से भी यही खबर निकलकर सामने आ रही थी कि वो डिवोर्स ले चुकी हैं अभिषेक से, और अभिषेक से ताल्लुक खत्म करने का रीजन भी जया बच्चन ही है। इनका यही अंदाज है जो ले डूबा है अपने ही बेटे के रिश्ते को। बहुत ही खूबसूरत रिश्ता इनके इस रवैये की भेंट चढ़ चुका है। वेल दोस्तों, डिवोर्स की खबरों के बाद अब ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि जया बच्चन एक बार फिर से अपने रिवायती मूड में नजर आई हैं, और उन्होंने मीडिया वालों की है खूब इंसल्ट। आप इसके बारे में क्या कहेंगे जरूर बताइए। मिलता है नेक्स्ट अपडेट के साथ। स्टे कनेक्टेड।